पेटिशनर पंडित सीताराम जी हैं, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, आप लोग वहां मौजूद थे जी? आज कोर्ट में ये हुआ कि जो गवर्नमेंट का काउंटर आया वो बिंदुवार नहीं आया, और इतनी जल्दी में उन्होंने काउंटर दिया कि उस पर डेट तक नहीं डाली। उसमें माननीय लॉर्ड ने, माननीय उच्च न्यायालय के जज साहब ने उस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि आप इसको पॉइंट टू पॉइंट करके दाखिल करें। और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि इतनी रिटें दाखिल हो गई हैं, उन्होंने कहा कि जो PIL चल रही है उसी पे हम ये डिसीजन ले देंगे, उससे 95% याचिकाओं की सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो कल के लिए उन्होंने इस डेट को फिर लगा दिया है। बहस में आपके वकील ने क्या कुछ रखा? LP मिश्रा साहब ने ये रखा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सरजू महाजन वर्सेज मध्य प्रदेश और रंगा राव बाबा जो है महाराष्ट्र का, उसके ऊपर ही ये डिसीजन होना चाहिए, उसी पे चुनाव को कराया जाना चाहिए। तो क्या अब जो चुनाव के लिए रोक लगाई गई थी वो अभी भी बरकरार है? आज बढ़ा दिया, कल तक के लिए उस रोक को बढ़ा दिया है। कल कोर्ट में फिर से सुनवाई? हाँ, कल सुबह कोर्ट में फिर सुनवाई है। तो ये पेटिशनर हैं जिनका कहना है कि आज कोर्ट में ये मौजूद थे, कोर्ट ने कल तक के लिए रोक लगा दी है, कल एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण मामले में रिट दाखिल की गई है उसको लेकर सुनवाई होगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ कफीलुर्रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। और कफील जुड़ चुके हैं इस खबर पर, और ज्यादा अपडेट के लिए कफील जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। कफील, आज क्या हुआ कोर्ट में? दोनों तरफ से जो बहस थी वो पूरी हुई, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई, एक दिन का वक्त दिया गया है, और बड़ी बात यह है कि क्या वो तर्क राज्य सरकार एक दिन में पेश कर पाएगी? कफील, बड़ी बात यह है। बिल्कुल, देखिए, आज कोर्ट में 4:45 पर सुनवाई शुरू हुई थी, दोनों पक्ष मौजूद थे। जो पेटिशनर पक्ष है उसका कहना है कि जो सरकार ने काउंटर फाइल किया था वो पूरी तरह से सही नहीं था, जिसको लेकर कोर्ट ने भी ये चीज़ माना कि काउंटर सही नहीं है। इसको लेकर कोर्ट ने कल फिर सुनवाई करने को कहा, एक दिन का वक्त सरकार को दिया है ताकि कल जो है एक बार फिर जो सरकार की तरफ से काउंटर फाइल करना है वो करा जा सके। तो कल तक एक बार फिर निकाय चुनाव की जो अधिसूचना जारी होनी है उस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट में 4:45 से ये सुनवाई चल रही थी, काफ़ी देर तक बहस हुई। बहस होने के बाद जब जो पेटिशनर थे उन्होंने सरकार की जो काउंटर फाइल सरकार ने किया था उस पर असहमति जताई, तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी ये माना कि जो सरकार की तरफ से काउंटर फाइल किया गया है वो सही नहीं है। इसको लेकर कोर्ट ने सरकार को एक दिन का वक्त दिया है, अब कल फिर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है कोर्ट में फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन ये राजनीतिक दलों के लिए इंतजार बढ़ाने वाला है। कपिल, बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव को लेकर काफ़ी इंतज़ार किया जा रहा है कि इसकी डेट जारी हो, सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन आरक्षण मामले को लेकर कोर्ट में ये रिट दाखिल की गई जिसके बाद सुनवाई चल रही थी। 20 तारीख तक के लिए कोर्ट ने रोक लगाई, अब एक दिन और रोक लगी रहेगी, कल फिर सुनवाई होगी। कल के बाद क्या फैसला आता है वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने काउंटर फाइल किया था जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है, उसके बाद एक दिन का और सरकार को मौका दिया है, तो अब देखना ये होगा सरकार किस तरह से मास्टर काउंटर एक दिन में अपना क्या पक्ष रख पाएगी सरकार। कुछ वक्त दिया गया है सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए, और एक दिन में क्या कुछ कोर्ट की तरफ रख पाती है सरकार, ये देखना बहुत जरूरी होगा।